मणिपुर का कैपिटल क्या है? मणिपुर का कैपिटल है इम्फाल। 10 on 10 डिवाइड बाय 10 होता है 1 और 10 इनटू 10। नहीं, मेरा मतलब था कि पूरे 10 क्वेश्चंस में तुम्हें सारे आंसर सही मिले हैं। अब देखना, दिमाग की बत्ती क्विज कंपटीशन में ना तुम फर्स्ट आओगे। पता नहीं मॉम, कंपटीशन के बाकी बच्चे तो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट की फैमिली से है। तो क्या हुआ अगर मैं डॉक्टर या साइंटिस्ट नहीं हूँ? मैं भी अपनी स्कूल की भेजा फ्राई क्विज कॉम्पिटिशन में सेकेंड आई थी। सच्ची? हाँ, इनफैक्ट मैं तो फर्स्ट आते आते रह गई पॉलिटिक्स की वजह से। हाँ मॉम, आजकल बच्चों के कंपटीशन में भी बहुत पॉलिटिक्स होती है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि हमारा आखिरी सवाल था डेमोक्रेसी के 4 पहलू बताओ। गवर्नमेंट, कोर्ट्स, मीडिया और पार्लियामेंट लिखने की बजाय मैंने पॉलिटिक्स लिख दिया। बिल्कुल सही। करण, हम बिजी हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर कोई इमरजेंसी ना हो तो हमें डिस्टर्ब मत करना। मॉम, बहुत तगड़ी इमरजेंसी है। मुझे वीडियो गेम खेलने के लिए 50 रुपए चाहिए। वाकई बहुत बड़ी इमरजेंसी है। मुझे पता था आप मेरी प्रॉब्लम को समझेगी। मैंने तुमसे क्या कहा है कि जब भी किसी चीज में पैसे की जरूरत हो तो वेट करना सीखो या फिर अपने पैसे खुद जोड़ो। नहीं मॉम, आपको पता है ना ये मेरे पैसे ढूंढ निकालेगा। आपके सबक सिखाने के चक्कर में हमेशा मैं क्यों पिसता हूँ? कूदना रो मत, मैं तेरे पैसे पहले से ही खर्च कर चुका हूँ। मॉम सोचो, आपके पर्स में इतने सारे सिक्के, पड़े पड़े बोर हो रहे होंगे और सोचो वो गेम रूम में कितनी मस्ती कर सकते हैं। ये तुमने क्या पहन रखा है? ये टॉप रमेश मल्होत्रा का है और जीन्स नीतू कुमार की। टॉप डिजाइनर्स है, तुम नहीं जानती होगी। मैंने सब इसीलिए पूछा क्योंकि आज हमें वॉलंटियर वर्क के लिए लोगों के घर पेंट करने हैं, तो तुम्हारे जो ये टॉप डिजाइनर कपड़े हैं शाम तक डिजाइनर पोछे बन जाएंगे। घर पेंट मैं? हाँ, सिस्टर रोजी बस लेकर आती होगी। बस? तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो बड़ी सी गाड़ी जिसमें पब्लिक ट्रैवल करती है? बस ये समझ लो कि वो रंग बिरंगी बड़ी सी लंबी सी लिमोजिन है। और अगर किसी हाई क्लास मैगजीन के फोटोग्राफर ने मुझे देख लिया तो? प्राइवेट रूम तो होगा ना वहाँ? ऑफ कोर्स, वो लगेज कंपार्टमेंट है ना, हम वहाँ तुम्हारे लिए जगह ढूंढ लेंगे। ठीक है, अब चलो। और तेरे स्पेसशिप को मैं अपने सुपर प्लाज्मा गन से नहीं छोड़ूंगा। यस यस। क्या? नहीं नहीं, ये तो चीटिंग है। जरूर इस एलियन ने इस मशीन को पैसे खिलाए होंगे। पैसों से याद आया, एक्सक्यूज मी, मैं एक ह्यूमनॉइड हूँ और मैं अपने प्लैनेट को एलियन से बचाने के लिए बाहर निकल चुका हूँ, पर मेरे स्पेसशिप में पेट्रोल खत्म हो चुका है और आप तो जानते ही है कि पेट्रोल के दाम आजकल कितने बढ़ गए हैं। तो मैं ये मौका आपको देता हूँ अपने प्लैनेट के लिए कुछ करने के लिए। आपको बस मेरे स्पेसशिप में पेट्रोल भरना पड़ेगा। गेम खेलने के लिए पैसे चाहिए? हाँ ये लो 10 का नोट, 20% इंटरेस्ट लगेगा रोज का। हाँ तुम चिंता मत करो, मैं सारे पैसे लौटा दूंगा। वो तो तू देगा ही, नहीं तो? चिंता मत करो, तुम्हारे नहीं तो का चांस ही नहीं आएगा। अब 400 रुपए हो गए। 400 रुपए कैसे हो गए? क्योंकि तुझे उस एलियन को हराने के लिए 2 जन्म और लगेंगे। मुझे मेरा पैसा शाम तक चाहिए, इंटरेस्ट के साथ। एक काम करते हैं, आप मुझे अपना एड्रेस दे दो, मैं आपके घर पे चेक भिजवा दूंगा। चेक? मैं क्या तुझे सबसे बड़ा बेवकूफ लगता हूँ? बेवकूफ का तो पता नहीं, पर आप बड़े जरूर हो। देखो इस महारानी को। महारानी नहीं, रानी। जो भी हो, हम यहाँ पेंट करने आए हैं। तो मैं भी तो पेंट ही कर रही हूँ। तुम्हारी उंगलियों की बात नहीं हो रही है रानी। थैंक्स पिनी, अपने पैरों के बारे में तो भूल ही गई थी। हाय, मैं भी। तुम वॉलंटियर वर्क का मतलब जानती हो? नहीं। वॉलंटियर्स वर्क करते हैं। तुम सब लोग बहुत अच्छा काम कर रही हो। शानी इस वक्त फोन पे बात नहीं कर सकती क्योंकि वो काम कर रही है। हाँ, मुझे भी यकीन ही नहीं हो रहा है। बिनी कुकरेजा,
सब यहाँ पे इतना काम कर रहे हैं और तुम फोन पे चपड़ चपड़ कर रही हो। ये रानी को देखो कितना मेहनत कर रही है। देखिए सिस्टर रानी, तो आप रहने दीजिए सिस्टर रोजी, दूसरों का दर्द समझना सबके बस की बात नहीं होती। तुम दर्द समझने वाली हो। देखो मैं दूसरे वॉलंटियर्स को चेक करने जा रही हूँ और जब मैं वापस आऊंगी तो मस्ती नहीं, रानी की तरह काम करती हुई दिखनी चाहिए। अंडरस्टूड? यानी कि सारा काम हम करें और शाबाशी तुम्हें मिले। सबका अपना अपना टैलेंट होता है। और तुम ना हर चीज में बहुत अच्छी हो। तुम्हें पता है मैंने अपने बिल्ली का नाम ना तुम पर रखा हुआ है, रानी। वो दिखने में कैसी है? बहुत क्यूट, एकदम रोली पोली। उसका नाम आज ही बदल दो। रानी, अगर तुम पेंटिंग नहीं कर रही हो तो कम से कम जमीन पे न्यूज़पेपर्स बिछा दो। ये देखो, नेहा छाबड़ा की चैरिटी वर्क करते हुए फोटोग्राफ छपी है। मैं भी चैरिटी वर्क कर रही होती अगर यहाँ नहीं फंसी होती। ये भी चैरिटी वर्क ही है। इसका मतलब मेरी फोटोग्राफ भी छपी होगी। ये खेलने की जगह है, उतरो अभी। उतर गई। और अभी तुमने ये जमीन तोड़ दिया। तुम लोग सब लंच टाइम में भी काम करेंगे। रानी डार्लिंग, तुम नहीं, तुमने आज बहुत हार्ड वर्क किया है। ऐसा करो तुम ब्रेक ले लो। आप कहती हैं तो ले लेती हूँ। अच्छा, और तुम लोग काम करो। दिमाग की बत्ती क्विज कंपटीशन में आपका स्वागत है। याद रखिए, जिसके दिमाग की बत्ती जलेगी वो जीतेगा। कबीर, चक दे फट्टे। थैंक यू मानसिंह जी। और आपको पता है मैंने अपनी ट्रॉफी के लिए एक जगह भी बना रखी है, बिल्कुल अपने बिस्तर के ऊपर। और अब तो जीतना ही पड़ेगा, अगर नहीं जीता तो वो जगह खाली रह जाएगी और वहाँ पे जमी धूल मिट्टी हमेशा के लिए मेरे हार की निशानी बन के रह जाएगी। क्या कॉन्फिडेंस है? तुम नर्वस बिल्कुल मत हो, मुझे यकीन है कि तुम ही जीतोगे। लेकिन याद रखना, डरना नहीं, क्योंकि अगर तुम डर गए ना, जैसे मैं डर गई थी और फिर हार गई थी, कहीं तुम भी ना। हाँ, तो घबराना नहीं। हाँ, क्या बढ़ावा दिया है। हाय गाइस। हाय करण। अरे देखो, करण भी तुम्हें चीयर करने आया है। कबीर, क्या? हाँ, मैं तुम्हें चीयर करने के लिए आया हूँ। अगर मॉम आपको कोई बड़ा लड़का दिखे ना, मेरा मतलब है कोई ऐसा बड़ा लड़का जिसके सामने रोड रोलर भी छोटा पड़ जाए, तो प्लीज उसे कह देना हाय करण कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुझसे बहुत प्यार करता हूँ करण। चल अंदर चल, थोड़ा कोने में बात करनी। चल अभी नहीं यार, अभी सॉरी यार, अभी मैं कबीर की मदद कर रहा हूँ ना। हाँ बेटा, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना कबीर के साथ, तुम दोनों बच्चे जाकर खेलो। थैंक यू आंटी। जल्दी से मुझे पैसे दे, मुझे क्विज के लिए जाना है। तुम? मुझे तो लगा था दिमाग की बत्ती क्विज कॉम्पिटिशन चंपुओं के लिए है। तो दिमाग की बत्ती क्विज का मजाक उड़ा रहा है? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा तो जल्दी से मेरे पैसे निकाल, नहीं तो। नहीं तो क्या? मुझे उसका भी जवाब देना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, तुम सारे सवाल के जवाब है ना क्विज में देना, मैं सब समझ गया। ओके, जीत के आना। बाय, जीत के आना। मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। ये मैं क्या देख रही हूँ? किसी को उसकी जल्दी से फोटो खींचनी चाहिए। रानी रानी, ये रही रानी। रानी एक फोटो, स्माइल प्लीज। रानी रानी रानी। रानी, मैं सोच रही थी कि इन लोगों को तुम्हारे चैरिटी वर्क के बारे में कैसे पता चला होगा। पता नहीं, कितनी अजीब बात है ना। देखो ये पोज कैसा है। राकेश, एक ब्रश के साथ भी।
जाओ। सही जवाब है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का फेमस रिलेटिविटी इक्वेशन E=mc² है। जी हाँ मेरे लाल, वो मेरा बेटा है। मैम प्लीज, सॉरी देवश्री, तुम्हारा सवाल है, अकबर मुगल सल्तनत की गड्डी पे किस साल में आए? 1560। ओ इतनी करीब। 1559, 1558, 1557। सही जवाब है 1556। थैंक यू, अब आप जा सकती है। तो आज का ये सेमीफाइनल्स यही खत्म होता है। कल दिमाग की बत्ती का फाइनल्स होगा और हमारे दो फाइनलिस्ट हैं कबीर जायसवाल और तन्मय रॉय। खूब बालो तन्मय। प्रीति जी, हमें कंप्लेंट्स आ रही हैं कि ऑडियंस में बैठे कुछ पेरेंट्स बहुत बुरी तरह बिहेव कर रहे हैं। आंचल जी, ये तो हर बार होता है ना, ये पेरेंट्स भूल जाते हैं कि ये बच्चों का कंपटीशन है। प्रीति, सारी कंप्लेंट्स आप ही के बारे में है। मेरी कंप्लेंट्स? आजकल बच्चों के कंपटीशन में भी कितनी पॉलिटिक्स हो गई है। प्रीति, मैं बस इतना चाहता हूँ कि जब भी कभी कोई करेक्ट आंसर दे तो आप एक चीलेडर की तरह उसके लिए चिल्लाने मत लग जाना। मानसिंह जी, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मुझे अपने आप को कंट्रोल करना आता है। कबीर मेरे बच्चा। ओए छोटू, तेरे लिए एक अच्छी खबर है, मैं तेरा पैसा भूलने के लिए तैयार हूँ, पर तू मेरे लिए काम करेगा तो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बन जाओ। नहीं, तू अपने भाई को बोलेगा कि कल का फाइनल हार जाए तो मैं तुझे जाने दूंगा। और अगर मैं मना कर दूं तो? मालूम है तुम्हारे नहींतों का सामना करना पड़ेगा। कबीर, बहुत टेंशन हो रही है ना? थोड़ी, मैं जीत के इतना करीब हूँ पर हार के भी इतना ही करीब हूँ। मेरे भाई, मेरे पास तेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका है। अच्छा, तो बोलना क्या तरीका है? हार जा। नहीं, अरे सुन तो सही, अगर तूने अभी के अभी डिसाइड कर लिया कि कल तू हार जाने वाला है तो सारी की सारी टेंशन चुटकी में दूर हो जाएगी। करण, तेरे सारे के सारे दासू आइडियाज में से ये सबसे बकवास आइडिया है। सुपर आइडिया है, मेरे लाइफ का तो यही मकसद है, कोशिश ही मत करो तो हारने की टेंशन ही नहीं। अच्छा, पर मुझे लगा तेरी लाइफ का मकसद तो खाना पीना और सोना था ना? वो तो दूसरा मकसद है, और तू जितना सोच रहा है ना वो उतना आसान नहीं है। अगर तूने ज्यादा खा लिया तो नींद नहीं आती है, और अगर तूने ज्यादा सो लिया तो पता चलता है कि खाना खत्म हो चुका है। तेरी लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड है ना? पूछ ही मत, बस तू मेरी बात सुन, अगर तू ये क्विज कॉम्पिटिशन में हार गया तो तू बहुत खुश रहेगा। पर क्यों? क्योंकि मैंने तन्मय रॉय से पैसे उधार लिए, और अगर मैंने उसे नहीं लौटाए तो वो मेरा रसगुल्ला बना देगा। रसगुल्ला? तन्मय मेरा उधार तभी माफ करेगा जब तू उसे दिमाग की बत्ती में जीतने देगा। करण, तू ये क्या बोल रहा है? दिमाग की बत्ती मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर मैं उसमें जीत गया तो शायद लोग मुझे लूजर बुलाना बंद कर देंगे। देखो, लूजर कौन बुलाता है? तू। कबीर, कुछ तो बहुत सारे आएंगे, पर तेरे पास भाई तो सिर्फ एक है ना? जरूरी नहीं है, मॉम अभी भी जवान है। ठीक है, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है, मैं करण जायसवाल अपने सारे टेक्स्ट बुक्स अपने प्यारे से दुलारे से छोटे से भाई के नाम पे कर रहा हूँ। बहुत दुख की बात है ना? बहुत दुख की बात है कि तुम्हें टेक्स्ट बुक की स्पेलिंग भी नहीं आती। हाय विनी, मैं क्या कह रहा था? नहीं, पर तुमने तो मेरी बात भी नहीं सुनी।
तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि तुम पैसे मांगने आए हो। केम जो भी नहीं सुखे तो नहीं सुखे मेरे नंबर वन दोस्त नहीं माजिंगी मेरे नंबर टू दोस्त। यार कोई उधार कैसे चुकाएगा जब उसे कोई उधार ही नहीं देगा। बिनी हाँ तुम इतनी थकी भी क्यों हो? क्योंकि कल मैं पूरा दिन वो घर पेंट कर रही थी। मैंने भी तो पेंट ब्रश पकड़ के फोटोग्राफ्स खिंचवाई थी। मैं तो कंप्लीट नहीं कर रही हूँ। न्यूज़पेपर मशहूर होटेलर की बेटी रानी ओबेरॉय ने कल अपना पूरा दिन अपने अमीर दोस्तों के साथ शॉपिंग ना करके जरूरतमंद लोगों का घर पेंट करने में लगा दिया। अब उस नेहा की बच्ची को पता चलेगा कि चैरिटी क्या होती है। फोटो खिंचवाने को चैरिटी नहीं कहते रानी, उसके कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो उन फोटोग्राफ्स के लिए मैंने अपना एक पूरा शॉपिंग का दिन सैक्रिफाइस किया है ना। तुम्हारा दिल कितना बड़ा है मुझे पता है। रानी हा? तुम जो जरूरतमंद लोगों के लिए कर रही हो वो एक बहुत जरूरतमंद चीज है। जरूरतमंद से याद है मुझे 400 रुपए की जरूरत है। ये लो, पैसे नोट बहुत पुराने हो गए थे, मैं फेंकने वाली थी। थैंक यू रानी, तुमने तो मेरी जान बचा ली। ओ थैंक्स, 300 रुपए मेरे हैं। थैंक यू, मेरे 100 है। ये 100 रुपए मेरे। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 50 बचे हैं। बचे थे। आखिरी सवाल है, अब सर अपने इमोशंस पर काबू रखो। तन्मय, तुम्हारा सवाल है, इंडिया के कौन से नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा राइनोस मौजूद है? राइनोस गो तन्मय, सोचो तन्मय सोचो। मॉम आप ही तो हमेशा कहती थी कि स्पोर्ट्समैनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। राइनोस इंडिया नेशनल पार्क, इंडिया राइनो नेशनल पार्क। नहीं, गलत जवाब। और अब ये क्वेश्चन पास होता है कबीर को। सवाल का सही जवाब दिया तो वो इस साल का दिमाग की बत्ती कंपटीशन का चैंपियन बन जाएगा। ये क्या कर रहे हो करण? कबीर के जीतने के लिए विश मांग रहा हूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, कबीर को एनिमल्स के बारे में सब कुछ पता है। बस ये कंपटीशन जीत जाए ना तो अपने आप को थोड़ा कम लूजर समझेगा। कौन उसे लूजर बुलाता है? तुम। राइनोस कबीर को ये सवाल का जवाब पता है तो ये क्यों कर रहा है? क्योंकि वो एक बहुत अच्छा भाई है। क्या कबीर, तुम मेरी फिकर मत करो, सवाल का सही जवाब दो। इंडिया में सबसे ज्यादा राइनोस आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। सही जवाब। और हमारे इस साल के दिमाग की बत्ती कंपटीशन के विनर है कबीर जैसवाल। सच में बिनी, इस फैमिली की हेल्प करके ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें सीरियस लगता है कि तुमने उनकी हेल्प की है? हाँ, उनके घर की फोटोग्राफ न्यूज़पेपर में छपी है, इसका मतलब उनके सारे पड़ोसी उनसे जलेंगी। इससे अच्छा क्या हो सकता है? Excuse me, हम बिन्नी कुकरेजा को ढूंढ रहे हैं। अब वो मैं हूँ। तुम और तुम्हारे दोस्तों ने जिस घर को पेंट किया वो हमारा है। और हम सब तुम्हें थैंक यू बोलने आए हैं। मेंशन नॉट, ये तो मेरा फर्स्ट था। थैंक्स। तो हम आपके लिए एक केक बना के लाए हैं। थैंक यू। अब हम सब मिलके केक काटते हैं, ठीक है? आ जाओ। बिनी, इन लोगों ने मेले केक क्यों नहीं बनाया?
क्योंकि तुमने उन्हें कुछ नहीं दिया। ओ प्लीज, मेरा उनकी पब्लिसिटी की, वो मेरी न्यूज़पेपर में। वो उनके लिए नहीं, तुम्हारे लिए था। तो अब आपके सामने पेश हो रहे हैं दिमाग की बत्ती के नए चैंपियन कबीर जायसवाल। कांग्रेचुलेशन। थैंक्स। करण, वो आ रहा है, तू जल्दी भाग, मैं उसे संभाल सकता हूँ। लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। मैं उसे और नहीं भाग सकता, मुझे उस रोड रोलर का सामना करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, तो इस ट्रॉफी को एक तलवार की तरह यूज कर सकता है। कबीर, इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो पहले इस ट्रॉफी को खाएगा और फिर मुझे। ठीक है करण, मैं तेरी याद में हर साल इस दिन करण डे मनाऊंगा, यानी कि पूरा दिन सिर्फ खाऊंगा, पीऊंगा और सोऊंगा। ऑल द बेस्ट करण। अगर मेरी धुलाई होने ही वाली है तो कम से कम बाहर चले जाते, अगर इधर किसी ने देख लिया तो इंसल्ट हो जाएगी। धुलाई? सबको ऐसा क्यों लगता है कि मैं मारपीट करने वाला हूँ? क्योंकि तुम एक चलते फिरते बिल्डिंग की तरह हो। देख, तू मुझे अभी गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा। नहीं 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 नहीं, लेकिन तुम मेरी धुलाई नहीं करोगे तो तुम्हारे नहीं तो से क्या मतलब था? मेरा मतलब ये था कि मुझे मेरे पैसे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी मम्मी को बता दूंगा। मम्मी को बता दोगे? इतने डरावने नहीं तो के बाद तुम मेरी मम्मी को बता दोगे? मैंने तुम्हारे जैसे बहुत देखे, पर तुम सबसे फट्टू हो। जाओ, मेरी मम्मी को बता दो, मैं उनसे नहीं डरता। अच्छा, कब से ये क्या हो रहा है करण? कुछ नहीं मॉम। देखो ना आंटी, इसने मुझे 455 रुपए लिए थे वीडियो गेम्स खेलने के लिए, लौटा ही नहीं रहा है। सिर्फ 400 रुपए लिए थे। ओके मॉम, इस प्रॉब्लम की जड़ वो इंटरेस्ट है। मैंने तुमसे क्या कहा है करण, कि अगर तुम्हें किसी चीज के लिए पैसे की जरूरत हो या तो वेट करो या फिर पैसे जमा करो। सॉरी बेटी, ये ले लो। पर मॉम, मैंने कम से कम कबीर को तो हारने नहीं दिया। क्या मतलब? इस तन्मय ने कहा था अगर कबीर हार जाएगा तो वो मेरा उधार माफ कर देगा। तन्मय ने क्या कहा था? कुछ नहीं पापा, अब चलो ना बताता हूँ। कुछ नहीं, नहीं बकवास, सारा खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। अब एक मिनट, ना गुलाब जामुन, ना जलेबी, रसमलाई, ना रसमलाई, चल घर पे। मॉम, इस तन्मय की गलती के सामने मेरी गलती कितनी छोटी है ना। सही जवाब है नहीं। चलो मिस रानी, उबराई के लिए पार्सल है। हाँ, अब मेरे हाथ में नेल पेंट लगा है, उससे साइन करवा लो। थैंक यू। पता नहीं, मैंने तो कुछ ऑर्डर भी नहीं किया था, क्या होगा इस बॉक्स में? इस पर एक नोट भी है, जरा पढ़ो ना। डियर प्यारी खूबसूरत इंटेलिजेंट रानी, तुम्हारे जैसे फरिश्ते ने जो हम जैसे गरीब और बेसहारा लोगों के लिए किया है, वो दुनिया में किसी ने भी नहीं किया। हमारे घर को नया बनाने के लिए हमने सिर्फ तुम्हारे लिए एक थैंक यू केक बेक किया है। बहुत 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 प्यार, चुन्नू मुन्नू और चुन्नू मुन्नू की मम्मी। वाह रानी, ये बहुत अच्छी बात है, आई एम प्राउड ऑफ यू। वैसे रानी, डियर का क्या स्पेलिंग है? डी ई ई आर। और केक का? के ए के ई, इतना भी नहीं पता तुम्हें? और रानी, मम्मी के क्या स्पेलिंग है? एम ओ एम ई। आप लोग क्या मेरी क्लास ले रहे हो? रानी जी, जो केक आपने बोला था वो मैंने कुरियर करवा दिया, ये लीजिए बाकी के पैसे। अब खड़े क्या हो, जाओ। थैंक यू नोट। किसी को कुछ बताना मत, ओके? Okay?